and here we have a Procus 2.0. So hey viewers, my name is Pratham Sankhya and welcome to the PS Vlog. So kaise ho aap log? Hope you all are good. So aaj hum unboxing karne wale ek एक्शन कैमरे की. यस, मैंने एक्शन कैमरा ले लिया है और उससे मैं मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा. तो एक्शन कैमरे का नाम है प्रोकस 2.0. तो उससे हम उसका आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और आपको दिखाएंगे उसकी क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी. तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं. तो इसके अंदर आपको प्रोकस का ये कैरिंग केस मिलेगा, एक बैग मिलेगा और इसके अंदर आप सब अपनी एसेसरीज रख सकते हो. एंड इट इज़ प्रीटी हार्ड, आई मीन इसका आपको इसका साउंड आ रहा रहेगा. तो इसके अंदर देखते हैं क्या है, देखते क्या है. इसके अंदर एक माइक दिया, एक्स्ट्रा माइक, एक्स्ट्रा बैटरी दिया है इसके अंदर. ये एक्स्ट्रा बैटरी दिया है और एक्स्ट्रा बैटरी दी है और ये एक रिमोट है. यस, ये एक रिमोट है जिससे आप अपने फोटोज या रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग. और ये एक्स्ट्रा माइक, तो इसके साथ एक माइक भी मिलता है. और इसको मैं बताता हूँ आप यूज़ कैसे कर सकते हो. इसको धीरे से ऐसा हल्का प्रेस करने का है, इसको हल्का ऐसा प्रेस करने का है. इसके अंदर ये बैटरी दे जाएगी, ऐसा ये ऐसा बैटरी दे सकते हैं. तो आप कहाँ भी बाहर ट्रैवलिंग पे जाओगे तो इसको ऐसा रख सकते हो अंदर, बस इतना ही है. और इसको वापस अंदर रख देते हैं और ये बॉक्स को साइड में कर देते हैं. अपन अभी अपना एक्शन कैमरा खोलते हैं, तो इसको अंदर रख देता हूँ, साइड में कर देते हैं. अभी ये है प्रोकस का एक्शन कैमरा 2.0. तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में पढ़ सकते हो. और बस प्रोकस रश लिखा है इस पर, 2.0 नहीं लिखा है, प्रोकस रश लिखा है. तो मेरे को मालूम नहीं इसे 2.0 क्यों नहीं लिखा है. तो अपना एक्शन कैमरा अपन निकालते हैं. कुछ ऐसे एसेसरीज मिलते हैं आपको एक्शन कैमरा के साथ, जैसे कि ये गोप्रो के आगे स्क्रीन है उस पर लगेगा, ऐसे माउंट है एक टाइप का. फिर ये कैरिंग केस है, ये भी स्क्रीन पर लगेगा. ये भी एक गोप्रो का ये, और ये कुछ नट्स है गोप्रो के. ये जे माउंट है, ये हेलमेट पे लगता है कर्व वाला. ये इसके साथ मिला है एक चार्जर, ये जे माउंट, ये बेसिकली हेलमेट पे लगता है जे माउंट. ये कुछ माउंट्स, ये भी माउंट है इसके साथ मिला है. ये आप साइकिल पे लगा सकते हो, ये साइकिल के लिए बेसिकली ये माउंट आप साइकिल पे लगा सकते हो. ये इसका चार्जर गोप्रो का, ये भी कुछ माउंट्स है, ये स्क्रूस है, ये भी एक स्क्रू है. और ये शायद ये एक स्ट्रिप ये इसके लिए रहेगा, हेलमेट के लिए, ये वॉच के लिए रहेगा. और ये दोनों शायद कुछ रहेगा एक्सरसाइज. ये इसके साथ एक स्टील का वायर मिलता है, स्टील का जो आप लगा सकते हो दोनों कैमरे के लिए. एंड कुछ टिप्स मिले, डबल टिप्स, ये भी आप कैमरे पे या हेलमेट पे स्टिक करना चाहते हो. तो इसकी अपन अभी सेटिंग्स देखते हैं. तो ये है कैमरा मोड, 16 मेगापिक्सल में आप इसका कैमरा देख सकते हो और इससे फोटो क्लिक कर सकते हो. एंड ये है टाइम लैप्स मोड, अगर आपको टाइम लैप्स मोड पे रखना है तो 720p 120fps पे टाइम लैप्स मोड कैप्चर करेगा. एंड ये कुछ इसकी सेटिंग है ऐसी. तो अगर आपको वीडियो रेजोल्यूशन बढ़ाना है तो 1080p 30fps पे आप इसको रख सकते हो. इसमें कुछ इसमें ऑप्शंस है, 720p 120fps, 720
60 FPS एंड 720 30 FPS, तो आप किस पे भी रख सकते हो। अभी करेंटली मैंने रखा है 1080p 30 FPS पे इसको, एंड रिकॉर्डिंग साउंड कम ज़्यादा इससे कर सकते हो आप। और स्पेस लैप मतलब टाइम लैप्स मोड होता है, टाइम लैप्स मोड स्पेस लैप मतलब इसमें, और लूप रिकॉर्डिंग, इससे आप लूप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और स्लो मोशन मोड, तो स्लो मोशन मोड करेंटली मैंने रखा है 720 120 FPS में, तो इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, दो ऑप्शन रहता है 1080p 60 FPS और 720p 120 FPS, तो इसमें दो ऑप्शन है, तो मैंने अभी करेंटली यही रखा है। एंड दूसरा फोटो रिजोल्यूशन, अगर आपको फोटो रिजोल्यूशन करना है तो 16 से लेके आपको ऑप्शन मिलता है 5 मेगापिक्सल तक, तो 16 बेटर पड़ेगा आपके लिए फोटो रिजोल्यूशन के लिए। एंड इसमें आपको अगर वाइड बैलेंस मतलब आपको कुछ ब्राइटनेस रखना है, तो वाईफाई सेटिंग है, अगर आपको कुछ शेयर करना आपके वीडियोस और सब, फिर इमेज रिजोल्यूशन है, एंड ड्राइविंग मोड। ड्राइविंग मोड में आपको जैसे कि आप डैश कैम पे रखते हो, जैसे कि कार के डैश कैम पे रखोगे, ड्राइविंग मोड में बेसिकली आपको क्या है, आपने जब जैसे ही कैमरा ऑन किया रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। आप जैसे ही गोप्रो कनेक्ट करोगे तो जैसे ही रिकॉर्डिंग ऑन किया आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, और LED इंडिकेटर लाइट ये ऑन रखना पड़ेगा, उससे लगता है कैमरे का फोकस वो सब रहेगा। एंड टाइम वाटरमार्क, तो वो आपको मोबाइल पे दिख जाएगा वैसे। फिर डेट टाइम, आप इधर से डेट टाइम रख सकते हो, लैंग्वेज तो इंग्लिश ही रखना है। फिर फोकस वो सब, फिल्मफेयर वर्जन ये वर्जन बताएगा इसका, एंड बस इतना ही है इसके अंदर। तो मैं आपको इसकी अभी क्लियरिटी दिखाऊंगा, तो चलो चलते। हे गाइस, मैं इसके इंटरनल माइक से अभी बात कर रहा हूँ आपसे, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि इसकी वॉइस कैसा आ रही है। तो ये इंटरनल माइक की वॉइस है, अभी मैं आपको एक्सटर्नल माइक की वॉइस दिखाऊंगा। अभी इसके एक्सटर्नल माइक से बात कर रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि इंटरनल माइक का साउंड ज़्यादा है कि एक्सटर्नल माइक का। और अभी आपको बाहर का भी व्यू दिखा दूंगा मैं, तो बस अभी आप इसका एक्सटर्नल माइक का वॉइस बताना। इसका व्यू ऐसा दिखता है मेरे से, ये हमारा डॉग बैठा हुआ है, मासूम डॉग मैक्स, ये हमारा मैक्स बैठा हुआ है इधर पे, बाहर लोगों को देख रहे हैं। तो कुछ ऐसा व्यू दिखता है कैमरे से, वाइड एंगल व्यू है, तो थोड़ा पीछे से दिखता है। सो हे गाइस, मोटो ब्लॉगिंग जल्दी चालू करने वाला हूँ, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबाना, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन कैसे आएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, ब्लॉग 5, तब तक के लिए बाय बाय।